किसका समर्थन करते हैं सर? अरे हम उनको, जो हुकूमत उनको जेल में डालेगी जी, उनको गिरफ्तार करेगी। हुकूमत कौन सी हुकूमत सर? अरे एक मिनट, एक मिनट, असादी साहब आज किसकी हुकूमत है? उनके साथ मुसलमान ना खड़ा होगा जी, मैं अपील करता हूँ। अच्छा, वहाँ पर मुजीबुर रहमान की मूर्ति के ऊपर चढ़ करके तोड़ा जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये गिरफ्तार करा है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर यूके देवनाथ सर, यूके देवनाथ सर, मेरा सीधा सा सवाल था कि अगर वहाँ पर हिंदू मंदिरों की रक्षा मुसलमान कर रहे हैं तो कौन जला रहा? कहते हैं शेख हसीना को शरण आपने क्यों दी? अजीब सा तर्क, अजीब सा बयान। जहां तक शेख हसीना की बात है, अवामी लीग की बात है, कल छात्र संगठन जो है अवामी लीग का, उन्होंने फिर से आह्वान किया है। उन्होंने अपने छात्र संगठन को बोला है कि सब मंदिरों में जमा होइए और मंदिरों की रक्षा कीजिए। मैं वहां जो हमारे हिंदू भाई बहन है उनके साथ एक ही दरखास्त है कि सबसे पहले नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है, जो भी सरकारी बिल्डिंग है वहां चले जाए, वहां पर जो कोर्ट है ठीक है, पुलिस थानों को फूंक दिया गया है, पुलिस खुद वहां मदद मांग रही है। कुछ और चढ़गांव में 6 थाने जला दिए गए ठीक है, और वहां से हथियार लेकर भाग गए। मुफ्ती शमून कासमी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शहाबुद्दीन बरेलवी साहब जुड़ चुके हैं और वजाहत कासमी साहब जुड़ चुके हैं। मुफ्ती शमून कासमी साहब, सवाल ये उठ रहा है कि कट्टर पंथ जो है भारत को चारों ओर से घेर रहा है, इन सबके बीच भारत में भी तो इस्लामिक कट्टर पंथ बढ़ रहा है सर। भारत के मुसलमान जिस तरह पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं, यहां बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज वैसी मजबूती से क्यों नहीं उठ रही है? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो बांग्लादेश जिसे जिसने विकास की धारा से जुड़ करके आगे बढ़ा, और हमारे भारत ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश की जिस तरह से मदद की 1971 से लेकर के और आज तक उसके स्थापित होने में भी, और आज मुझे इस बात को कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि जो बांग्लादेशियों का हीरो था यानी शेख मुजीबुर रहमान, उनके भी स्टेच्यू को गिरा दिया गया। और मुझे चिंता इस बात की है कि ये लोग इस्लामिक तालीमात को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस्लाम का इन चीजों से कोई नाता नहीं है। अगर इंसानियत की कोई कंट्री बात करती है, कोई देश बात करता है, लेकिन तो कासमी साहब जब ये तोड़ते हैं मूर्तियां संसद के अंदर जाकर के, वो नारा तो जो है नारा तदबीर ही लगाते हैं, वो तो एक बड़ा बयान सामने आया। बांग्लादेश जैसा भारत में भी हो सकता है, यहाँ सब कुछ सामान्य लग सकता है, क्या कुछ कहना है उनका, एक बार आपको सुनाते हैं सलमान खुर्शीद का। तो सलमान खुर्शीद का ये कहना है कि भारत में भी ऐसा हो सकता है, क्या भारत में भी इस तरह की उम्मीद की जा रही है? ये कहीं ना कहीं अंदर से एक दिल में दबी हुई आस है कि भारत में भी ऐसा ही हो, ऐसे ही जो है। कट्टरवाद को लेकर के बात हो रही थी, देखिए जहां जहां सेकुलरिज्म गवर्नमेंट थी उनको जो है लगातार गालियां पड़ती रहीं, चाहे आप जितने भी पड़ोसी मुल्क देख लीजिए, सेकुलरिज्म को गाली और कट्टरवाद को जो लोग ताली देते हैं, यही हाल होता है मुल्कों का। आप देखिए भारत में ऐसा हो सकता है, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, नहीं तो आप मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर को आप भारत से अलग मानते हैं? जातीय हिंसा है जवाब, मणिपुर की जातीय हिंसा है, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की लड़ाई है, राजनीतिक नहीं, मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी। नहीं नहीं, अब आप बोलने दीजिए, वहां अगर हम ये कह दें कि भाई शिया और सुन्नी के बीच लड़ाई होती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। पॉइंट रखिए, हां मणिपुर, मैं आपको बता दूं तीसरी सबसे बड़ी बात, हम लोग पृथ्वीज भाई बहुत देर से जागते हैं और पहली ये घटना नहीं है, बांग्लादेश के अंदर लगभग 1.5 महीने से ये घटनाएं हो रही थी। हमारी फॉरेन पॉलिसी को क्या हो गया? जब श्रीलंका के अंदर हुआ तब भी हम देर से जागे, जब अफगानिस्तान के अंदर हुआ तब भी हम देर से जागे, सेना भेज देते, और चीन जो है जो चाइना, अरे सुना करिए, आपको कुछ नहीं पता फॉरेन पॉलिसी के मामले में, आपको कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ बड़बड़ाना होता है, आपको नौटंकी करना है, नौटंकी करना है, नौटंकी करना है, ये नौटंकी करने वाले लोग हैं टेलीविजन पे जिनको फॉरेन पॉलिसी का कुछ नहीं पता, सिवाय इनके पास हिंदू मुसलमान दीजिएगा कि आप सलमान खुर्शीद के बयान से सहमत हैं या नहीं, और दूसरी चीज कि बांग्लादेश की तुलना, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार की तुलना आप हिंदुस्तान से कर रहे हैं, दोनों चीज क्लियर कीजिए। नहीं देखिए क्या है, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, जो घटनाएं बांग्लादेश के अंदर हो रही हैं वो सरकार के जो लोग समर्थक हैं, शेख हसीना के समर्थक लोग हैं, उनके ऊपर ज्यादा हमले हैं,
बनिस्पत इसको आप दूसरे चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। जरा तस्वीरें देख लीजिएगा, मैं कहूंगा एक बार प्लीज सैयद जवाब को तस्वीरें दिखाइए, वहां के मंदिरों के, वहां पर हिंदुओं के दुकानों की मंदिर, और वहां पर महिलाओं की चीख, वहां पर हिंदू महिलाओं की चीख जो कह रहे हैं कि आरक्षण का आंदोलन था, आरक्षण के मसले पर हम हिंदुओं का क्या कसूर। आप कह रहे हैं कि वहां पर हिंदुओं को मिला हुआ था, किसको? बांग्लादेश के अंदर 5% आरक्षण हिंदुओं को नहीं मिला हुआ। ठीक है, मिला हुआ था। मिला हुआ था। एक सेकंड जवाब साहब, आप कह रहे हैं हिंदुओं को, एक सेकंड सुनिए सर, सवाल सुनिए उनके ऊपर 5% आरक्षण मिला था, बाकी 45% तो मुसलमानों को मिला हुआ था ना। एक भी मस्जिद जलाई गई क्या? अच्छा, एक भी मस्जिद जलाई गई क्या? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बताइए। जब कभी भी कट्टरपंथी सरकारें आती हैं, कोई लेना देना नहीं, उससे लेना देना नहीं, खतरा बिल्कुल लॉजिक नहीं फिट बैठता। जिस देश की माइनॉरिटी, आप देखिए माइनॉरिटी वर्सेस मेजोरिटी की जो लड़ाई है वो खाली बांग्लादेश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर। एक सेकंड, सारे लोग एक साथ ना बोले, ऐसे आदमी चीन का एक मिनट बेटा, अपने अपने वालिद के बराबर के शख्स की इज्जत करो। सुनो, ऐसा है, देखो जवाद मियां, आपने जो कहा वो मैंने समझ लिया। मुझे सबसे ज्यादा नाउम्मीदी हुई सलमान खुर्शीद के बयान से, उनका बयान बड़ा थ्रेटनिंग है। व्हाट ही मींस टू से इज कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो इट कैन स्पिल ओवर इन इंडिया। कभी नहीं हो सकता, अगर कभी हमारी फॉरेन पॉलिसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, हमारे जैसे लोग, मतलब हम देर से ही जाते हैं हमेशा। इसीलिए मैंने सवाल किया था, कि बांग्लादेश की तुलना आप हिंदुस्तान से कैसे कर सकते हैं? वजाहत काफी साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर पहुंच रही है कीजिएगा। वजाहत काफी साहब, और ये बोल रहे हो क्या सलमान खुर्शीद के बयान से आप सहमत? वो कह रहे हैं, एक सेकंड फिर कह लीजिएगा वजाहत काफी साहब, क्या बांग्लादेश की तुलना हम हिंदुस्तान से कर सकते हैं क्या? कि बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं? वजाहत काफी, लानत है सलमान खुर्शीद साहब इस तरह की बात कर रहे हैं, तो हेल विद हिम, शर्मानी चाहिए इनको, नेता है कांग्रेस के, इतने बड़े मुसलमान ऐसी बात कर रहे हैं, ये भड़का रहे हैं मुसलमानों को, वजाहत काफी बोले, इन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए सबको। हाँ बोलिए, अब मैं बोलूंगा जब ये चुप हो जाए। प्रत्युष भाई देखिए, आप बांग्लादेश की जो बात कर रहे हैं, बांग्लादेश का जो अभी कार्यक्रम है वो एक स्टूडेंट एहतजाज से उठ करके वो अब जो है दहशतगर्द एहतजाज में बदल चुका है। और मुझे आपको शाबाशी देनी होगी कि आपको अपने शो में जी पर यहाँ कुछ पैनलिस्ट से ये कहलवाने में कितना वक्त लग रहा है कि वहाँ हिंदुओं के साथ ज़्यादती हो रही है, वो देखने के बावजूद भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ये लोग, ये 20 करोड़ मुसलमान हैं, एक मुसलमान भी बांग्लादेश की मंदिरों के लिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बाहर आने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि सलमान खुर्शीद जैसा इंसान ये कहेगा कि यहाँ के हालात भी ऐसे हो सकते हैं, बेतुफ है जी। मैं आप एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं, ठीक है आप लोग अपनी बात रखिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश में, एक सेकेंड सर, दर्शकों को खबर, एक सेकंड सर, बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी है, लक्ष्मीपुर में हिंदुओं की दुकान जलाई गई है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिंदुओं की एक दुकान जला दी गई है। अब यहाँ आप कह सकते हैं हाजिक साहब कि ये इस्लाम से जुड़े हुए लोगों का काम नहीं है, नहीं, हाँ मुखालिफत करनी चाहिए। और ये तस्वीरें देखिए ना सर, देख करके सर्वर साहब, प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस जी, सर्वर साहब, आसपास मुझे लोग दिख नहीं रहे, ह्यूमन चेन बनाए हुए, आप जो कह रहे थे ह्यूमन चेन बनाए हुए लोग दिख नहीं रहे हैं, आप जो फोटो आप वाले जिक्र कर रहे थे ना सर, उन लोगों ने फोटो खिंचवाए, घर चले गए, सोशल मीडिया पर डल गया, और उस मंदिर को भी जला दिया गया, सोशल मीडिया पर चेक कीजिएगा सर। ठीक है, हिंदुस्तान यहां कवर फायर मत दीजिए सर, कवर फायर मत दीजिए, कवर फायर मत दीजिए, ये भी कट्टरता है। मेरी बीमारी क्या है, जैसे मुफ्ती वजाहत साहब अभी कह रहे थे जी, और फिर इधर से बात आती है, मैं इन दोनों के बीच फंस जाता हूँ। वो कहते हैं एक भी मुसलमान, मुफ्ती साहब आप घर में सोए हुए होंगे, 50 कम से कम बयान आए, और आज अखबार में हमारा बयान, अब पढ़ लीजिए उर्दू हिंदी,
और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मैंने भारत के मुस्लिम संगठनों से कल 2 बजे अपील की थी कि सबको मैदान में आना चाहिए। लेकिन सरकार से भी मैं अपील करता हूँ, क्या बात है कि आप अल्पसंख्यक हमारे पड़ोस में मारा जा रहा और आप आंखें बंद करके बैठे हुए शेख हसीना भारत में रहे या यूके में जाए हमें नहीं मतलब, हमें बांग्लादेश के हिंदुओं से हमें मतलब है, वहां पहले सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। भारतीय सेना बीएसएफ को बोल दिया जाए कि बांग्लादेश मार्च कर दे, सरकार क्या करे ये बताइए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल बात की जाएगी, हम मरते हुए और मंदिर टूटते हुए नहीं देख सकते। उमेश आनंद जी, बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हमला हम नहीं देख सकते। आग कब बुझेगी? चिंगारी नहीं है, ये धधकती आग है सर, ये धधकती आग है, चिंगारी नहीं है। हैं हम क्या अपेक्षा करते हैं कि डिबेट में बैठकर वो लोग, अभी तक इन पांचों पैनलिस्ट ने ये नहीं कहा कि हम इसका विरोध करते हैं कि जो हिंदू मंदिरों पर अटैक हो रहे हैं, सुनेंगे नहीं बोलेंगे? सर 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 बोलूं क्या? एक सेकंड अरे हाजी खान साहब, अगर और मगर के साथ जो बात कही जाती है, हाजी खान साहब अगर किसी शब्द के जो है ना, अगर और मगर के साथ जो बात की जाती है, बीच वाली शब्दों का कोई मतलब नहीं रहता। आप लोग जो है कंडीशन सप्लाई राइटर लगाकर बोलते हैं, समस्या ये है कि राइटर लगाकर बोल रहे हैं। सीधा विरोध नहीं होगा, आपदा में अपसेट डलाते हैं हमारे देश के लोग भाई।